भोजपुरी इंडस्ट्री में यूं तो तमाम तरह के एक्टर एक्ट्रेसेस और भी तमाम तरह के गायक और लोग आते रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा चहेते एक्टर एक्ट्रेसेस की, तो उसमें गिने चुने ही 6-7 नाम है, जिसमें से एक है अक्षरा सिंह, पवन सिंह, दूसरे हैं काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव और तीसरे हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली। बता दें आपको कि इन दिनों ये तीनों ही जोड़े जो है काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम दो ही जोड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा जोड़ा जो है यानी कि पवन अक्षरा की जो जोड़ी है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी की, तो बता दें आपको कि निरहुआ आम्रपाली के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को। जी हाँ, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को हमेशा से ही काफी पसंद किया जाता है। हालांकि इनकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले और तमाम तरह की बातें हुई, फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई, ऐसी कोई स्टोरी सामने नहीं आई है। लेकिन ज्यादातर फिल्मों में खेसारी और काजल की जोड़ी देखने को मिलती है और दोनों की जोड़ी को काफी सुपरहिट माना जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का। बता दें आपको कि काजल और खेसारी इन दिनों अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं। जहां खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ तमाम तरह की फिल्मों को लेकर चर्चे में है, तो बिना काजल के भी वो ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं, तो वहीं काजल राघवानी भी अपनी एक्टिंग का जलवा दूसरे हीरोज के साथ बिखेरती हुई नजर आ रही है और आने वाले टाइम में आपको उनकी ढेर सारी फिल्में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों की जोड़ी की, तो लोग हमेशा से डिमांड करते हैं इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखने का। इन दिनों अगर बात करें काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की, तो दोनों में कई सारी बातें हैं जो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। सबसे पहली बात ये कि काजल राघवानी खुद को फिट रखना पसंद करती हैं, उन्हें अपनी फिटनेस की बड़ी चिंता रहती है और जब भी उन्हें लगता है कि उनका जब भी थोड़ा सा भी वेट गेन हुआ है तो वो सीधा जिम पहुंचती हैं और वहां जाकर ढेर सारा वर्कआउट करती हैं। तो वहीं खेसारी लाल यादव को भी अपने बॉडी की बड़ी चिंता रहती है और इन दिनों तो अपना वेट बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इन दिनों सिलवासा में वो जिम में खूब पसीना बहाते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि ढेर सारा पसीना बहा रहे हैं वो सिलवासा के जिम में फिल्म जाल की शूटिंग के लिए, जिसमें कि उनका काफी दमदार लुक देखने को मिलने वाला है। ऐसे में अगर काजल राघवानी की बात करें, तो काजल राघवानी भी इन दिनों रितेश पांडे के साथ फिल्म काशी विश्वनाथ की शूटिंग में बिजी हैं और दोनों की जोड़ी का कई सारे गाने भी फिल्मा लिए गए हैं दोनों की जोड़ी पर और कई रोमांटिक सॉन्ग्स भी फिल्मा लिए गए हैं। लेकिन बता दें आपको कि काजल खेसारी की इस साल ढेर सारी फिल्में भी आने वाली हैं और लोगों को इन दोनों की जोड़ी जिस तरह से पसंद आती है उस हिसाब से हर कोई इन दोनों को काफी पसंद कर रहा है और साथ ही साथ इन दोनों की फिल्मों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश में कि काजल खेसारी की जोड़ी में क्या कुछ खास है और इन दोनों की कौन कौन सी फिल्में हिट रही और कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं जिसमें दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो तमाम तरह के एक्टर और एक्ट्रेसेस का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी जोड़ी हमेशा से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और साथ ही साथ पसंद किए जाने के साथ उन्हें लोग एक दूसरे के साथ देखना भी पसंद करते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में। बता दें आपको कि काजल खेसारी की जोड़ी भी उन्हीं में से एक है। जी हाँ, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी भी भोजपुरिया दर्शकों को काफी पसंद आती है और भोजपुरिया दर्शक हमेशा ही इन दोनों को एक साथ देखना काफी पसंद करते हैं। बता दें आपको कि काजल और खेसारी ने सबसे पहले फिल्म प्रतिज्ञा 2 में एक साथ काम किया था, जिसमें काजल और खेसारी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। हालांकि खबरों की माने तो इसमें पवन सिंह भी थे इन दोनों के साथ, लेकिन काजल खेसारी की जोड़ी को जितना प्यार मिला वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी कई सारी फिल्में कर चुकी हैं।
2014 से लेकर 2018 तक उनकी तमाम फिल्में आपको भोजपुरिया पर्दे और यूट्यूब पर देखने को मिल गई होंगी, जिसमें काजल खेसारी एक साथ नजर आए। वहीं अगर बात करें काजल खेसारी की जोड़ी की, तो बता दें आपको कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और कई बार इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन दोनों ने सोशल मीडिया के सामने और मीडिया के सामने इस बात से इनकार कर दिया कि इन दोनों के बीच कोई लिंकअप है या फिर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों ही अपने परिवार के बारे में बोलते हुए नजर आए और दोनों ने ही इस बात से साफ इनकार कर दिया। इन दोनों ने बताया कि इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों के घर पर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता है, एक दूसरे के साथ कई इवेंट्स में दोनों नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच अगर ये कहा जाए कि प्रेम प्रसंग है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों इस बात से साफ मना कर चुके हैं और खुलेआम बोल चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो ही नहीं सकता। काजल राघवानी कहती हैं कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं, तो ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनता। तो खेसारी लाल यादव भी कई बार ये कहते नजर आ चुके हैं कि वो किसी लड़की से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, जो कि उनके गरीबी के दिनों में भी उनके साथ थी और आज भी वो अपने परिवार का जिक्र करना नहीं भूलते सभी के सामने। तो वहीं अगर बात करें इन दोनों की फिल्मों की, तो बता दें आपको कि फिल्मों में ज्यादातर दोनों एक साथ देखे जाते हैं और दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। दोनों ही कई तरह की फिल्में कर चुके हैं। लगभग अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो इन्होंने ढेरों फिल्में की हैं और दोनों की ही फिल्में लोगों को खासा पसंद आई और हर किसी ने इन्हें काफी पसंद किया। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी ने कई सारे काम किए, कई सारी फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ इन दोनों की जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि ज्यादातर फिल्मों में दोनों साथ ही नजर आने लगे। अगर बात करें पिछले सालों में इनकी कुछ फिल्मों की, तो बता दें आपको कि साल 2018 में काजल खेसारी की ज्यादातर फिल्में एक साथ ही आई थी, जिसमें से दुल्हन गंगा पार के संघर्ष और साथ ही साथ उनकी एक और फिल्म है दबंग सरकार, जिसमें कि काजल राघवानी उनके साथ भले ही ना हो, क्योंकि इसमें उनके साथ खेसारी लाल यादव के साथ आकांक्षा अवस्थी है, लेकिन काजल राघवानी का इसमें एक आइटम सॉन्ग सुनने को जरूर मिला था। वहीं अगर बात की जाए इनकी आने वाली फिल्मों की, तो आने वाली फिल्म की भी लिस्ट काफी लंबी है। जी हाँ, आने वाली फिल्मों की लिस्ट इन दोनों की काफी लंबी है और बता दें आपको कि दोनों ही आने वाले टाइम में ढेर सारी फिल्में लेकर आप सभी के सामने आने वाले हैं और आप सभी के सामने ढेर सारा एंटरटेनमेंट ही परोसने वाले हैं। बता दें आपको कि कुछ खबरों से पता चला है कि आने वाले टाइम में 8 से 9 मूवीज ऐसी होंगी जो कि इन दोनों के साथ में होंगी, जिसमें से कुछ के नाम हम आपको बताए देते हैं। सबसे पहला नाम है कुली नंबर 1, जिसकी शूटिंग काजल और खेसारी कर चुके हैं। तो दूसरी फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, जिसमें काजल और खेसारी लाल यादव नजर आएंगे। तो वहीं अगली फिल्म है खेसारी 786, जिसमें कि काजल और खेसारी की जोड़ी देखने को मिलेगी। तो वहीं अगली फिल्म का अगर नाम लिया जाए तो अगली फिल्म है तेरी मेहरबानियां, जिसमें कि काजल राघवानी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसमें खेसारी लाल यादव फिलहाल नजर आएंगे और अभी फिलहाल किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं शो किया गया है। तो अगली कुछ ऐसी ही फिल्में हैं जो कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव लेकर आने वाले हैं, जैसे हेरा फेरी और तमाम तरह की फिल्में। लेकिन ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि इस साल काजल खेसारी की और कितनी फिल्में आती हैं और लोगों को इन दोनों की जोड़ी की ये फिल्में कितनी पसंद आती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि काजल खेसारी की जोड़ी, यूं तो ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा खुलकर सामने नहीं आए थे शुरुआत में, लेकिन एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद से दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाने लगी और साथ ही साथ दोनों के पर्सनल बॉन्ड भी बढ़ने लगे और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं।
तो अगर बात की जाए इनकी फिल्मों की, तो आपको हमने बताया ही इस खास प्रोग्राम में कि उनकी कितनी सारी फिल्में इस साल देखने को मिलने वाली हैं और लोग इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और काजल खेसारी की जोड़ी को यूं भी कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और दोनों की जोड़ी काफ़ी फेमस है और एक दूसरे के साथ ये लोग बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इन दोनों की जोड़ी को लेकर, और क्या कुछ कहना है इन दोनों की कहानी को लेकर, इन दोनों के पर्सनल बॉन्ड को लेकर, वो सारी की सारी बातें हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही खास जोड़ी के बारे में बात लेकर या फिर कोई ऐसी ही खास कहानी लेकर। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।